तो भाइयों आज हम अपने खुद के ट्रैक्टर से पहली बार टूचन करने जा रहे हैं। ये सामने हमारे बड़े भाई का ट्रैक्टर और थ्रेसर फंस चुका है, जिसमें ट्रैक्टर का सेल्फ नहीं लग रहा। वो ट्रैक्टर आगे जाकर नीचीली जगह पर फंस चुका है। हम इसको ऊंचाई वाली जगह पर लेकर जा रहे हैं अपने ट्रैक्टर के माध्यम से। तो किसान भाइयों, ये आप सभी जानते हैं कि ये हमारा ट्रैक्टर है स्वराज 735 XM, और अब इसको ट्रैक्टर जो थ्रेसर है उसको खींचेंगे अपने ट्रैक्टर के माध्यम से। ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रस्सी से थ्रेसर को अपने ट्रैक्टर से बांध दिया है, और रस्सी काफ़ी नाजुक है जिसके कारण से धीरे धीरे भाई इस ट्रैक्टर से खींचेंगे और ट्रैक्टर धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो चुका है। भाइयों इस ट्रैक्टर का जो सेल्फ है वो चाबी देर तक लगे रहने के कारण से जल चुका है, और इसमें से वायरिंग में से धुआं भी आ चुका है, और अब ये सेल्फ बिल्कुल डेड हो चुका है इस ट्रैक्टर का, जिसके कारण से टूचिंग के माध्यम से इस ट्रैक्टर को बाहर निकालना पड़ रहा है। और आपको मैं वीडियो बता के बता दूंगा कि क्या गलती की थी मैंने इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करते समय, कि इस ट्रैक्टर का सेल्फ जल चुका है और अब भाई को खर्चा आ गया लगभग 2000 रुपये इसमें लग जाएंगे, और ये खर्चा मैकेनिक ने बताया है अभी फ़ोन पर। अभी ट्रैक्टर जब वहाँ पर लेकर जाएंगे तो मैकेनिक बताएगा कि कितना खर्चा आ जाएगा सेल्फ को ठीक करने में। किसान भाई वो ये गलती थोड़ी सी यह हो गई कि जब मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया तो चाबी थोड़ी देर तक लगी रही, जिसके कारण से ट्रैक्टर के सेल पर ओवरलोड पड़ा और वो जल गया। पीला खोल ले, पीला खोल दिया मैं, जैसे पेन खोलो, पेन खोल बस हाँ अब डर नहीं। तो ढलान वाली जगह से इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है किसान भाइयों, और अब इसे मैकेनिक के पास लेकर जा रहे हैं। यदि आप यह वीडियो देखना चाहते हैं कि ट्रैक्टर का सेल्फ किस तरीके से जल गया, वो गलती थोड़ी सी हमारी हो गई और किसान भाई इस गलती को ना दोहराएं ताकि उनका भी नुकसान हो, तो आप यदि उसकी वीडियो देखना चाहते हैं कि सेल्फ किस कारण से जला था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।